बचपन में हमने ये जुगनू की कहानियाँ सुनी थी, वो थोड़ी सी याद जो है वो ताज़ा हो गई है। 20 सेंट भी दिए, वाह, इतना मज़ेदार और क्रिस्पी। बाहर मुल्क से हमारे रिश्तेदार आते थे पाकिस्तान, तो वो बॉक्स लेकर आते थे, उसमें इस तरह की गोल छोटी छोटी चॉकलेट्स होती हैं, वो बिल्कुल दूर से देखें तो वैसी लग रही हैं। टार्ज़ियर्स एक ऐसे एनिमल हैं, ये दुनिया की एक वाहिद फैसिलिटी है जहाँ पे हम इनको देख सकते हैं। सुबह बखैर, तो आज हम लोग फिलीपींस के एक नहायत खूबसूरत आइलैंड जिसका नाम बोहोल है, वहाँ मौजूद हैं। तो बोहोल जो है ये काफ़ी बड़ा आइलैंड है और हम लोग जिस जगह रुके हैं इसका नाम है पंगलाओ, और पंगलाओ जो है वो सबसे ज़्यादा टूरिस्टी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेबरहुड मानी जाती है पूरे बोहोल में, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बड़े खूबसूरत किस्म के क्रिस्टल क्लियर बीचेज़ हैं। उसके अलावा यहाँ पर खाने पीने की मुतादिद जगहें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जैपनीज़ खाना है, चाइनीज़ है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और सबसे ज़्यादा लोकल्स और टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ इस जगह आना पसंद करते हैं अगर वो बोहोल आते हैं 3 या 4 दिन के लिए। तो आज जिस चीज़ से हम लोग अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं वो बोहोल की मेन हाईलाइट है। मेनली जो लोग बोहोल आते हैं, जो भी टूरिस्ट होते हैं, फॉरेनर्स हों या लोकल्स हों, वो बोहोल सिर्फ एक वजह से आते हैं, वो है चॉकलेट हिल्स। तो बोहोल में एक ऐसी जगह है कारमेन के करीब जहाँ पे ये चॉकलेट हिल्स पाई जाती हैं, और काफ़ी लंबे रकबे के ऊपर ये हिल्स जो हैं वो फैली हुई हैं। कहा ये जाता है तकरीबन 50 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रेच के ऊपर ये हिल्स जो हैं ये फैली हुई हैं, और हम सबसे पहला स्टॉप जो है ज़ाहिर है बोहोल आएँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम चॉकलेट हिल्स बगैर देखे कुछ और शुरू करें, तो सबसे पहले हम लोग चॉकलेट हिल्स जाएंगे। तकरीबन पंगलाओ से 1.5 से 2.5 घंटे लग जाते हैं बाइक पे, या फिर अगर आप ट्राइसाइकिल या हबल पे भी जाना चाहें तो उसमें भी इतना ही टाइम लगता है। हमने बाइक का ऑप्शन इसलिए चूज़ किया है कि एक तो ज़ाहिर अफोर्डेबल है, और पूरा जो लैंडस्केप है, जो बोहोल की रॉनेस है, जो यहाँ की खूबसूरती है, वो देखने का हमें ज़्यादा मौका मिलेगा। रुकते रुकाते हम लोग इन्जॉय करते हुए जाएंगे। एक और ऑप्शन है बस का, कि यहाँ से पंगलाओ से आप जाएँ जहाँ पे फेरी टर्मिनल है जो मेन इनका, वो है डाओ बस टर्मिनल, वहाँ से बस जाती है कारमेन। कारमेन से हबल या ट्राइसाइकिल लेके जा सकते हैं चॉकलेट हिल्स तक, लेकिन बस में ये है कि आप अपने पेस पे नहीं जा सकते, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है, तो इसलिए हमने बाइक का ऑप्शन चूज़ किया है। तो शुरू करते हैं अपना ये बोहोल का खूबसूरत सा एडवेंचर। अच्छा, तो बाइक हमने हायर कर ली है, और जिस जगह हम लोग रुके हैं बोहोल में पंगलाओ में, वहीं से हमने हायर की है, बहुत अच्छे रेट पे हमें मिल गई है, तकरीबन 350 फिलिपीन पैसों में हमें पर डे के हिसाब से मिल गई है। चॉकलेट हिल्स के कॉम्प्लेक्स में हम एंटर हो गए हैं, और 1 hour 40 minutes के बाद हमें अपनी पहली हिल नजर आई है। दोनों साइड्स पे हिल्स हैं, लेकिन इधर बीच में इन्होंने एक पार्किंग एरिया बनाया हुआ है, एंड यू कैन नॉट टेक योर बाइक और कार, बेसिकली पार्किंग एरिया से शटल चलती है, और यहाँ पे एक एंट्रेंस भी हमें देनी पड़ेगी, एंड देन वी आर गोना वेट फॉर द शटल एंड देन गो। यहाँ पे बहुत सारी सूवनियर शॉप्स और खाने पीने की दुकानें बनी हुई हैं। सो आफ्टर दैट रियली लॉन्ग राइड आई थिंक हम डिज़र्व करते हैं कोकोनट वाटर, फिर बैठेंगे हम शटल में एंड देन वी आर गोना गो टू द एक्चुअल व्यू पॉइंट। You live in a beautiful place. It's heaven here. So wonderful. Hi. What is your name? Yeah. We're from Pakistan. Ah, you're Pakistan? Yes, ah. Yes. Thank you. तो 3-4 मिनट की बस राइड करके अब हम आ गए हैं बिल्कुल जो फर्स्ट व्यू पॉइंट है, और इस व्यू पॉइंट पे राइट पे भी और लेफ्ट पे भी हमें चॉकलेट हिल्स नज़र आ रहे हैं। बट फॉर द बेस्ट व्यू
हमें बिल्कुल ऊपर जाना है, इट्स अबाउट 150 स्टेयर्स और बिल्कुल ऊपर से एक बहुत ही यूनिक किस्म का व्यू नज़र आता है. वी हैड टू पे 100 पैसो ईच और शटल बस भी इसमें इंक्लूडेड थी. सो वी आर गोना क्लाइम अप और व्यू देखते हैं. तो हम लोग पहुंच चुके हैं चॉकलेट हिल्स और तकरीबन 100-150 सीढ़ियां क्लाइंब करके ऊपर आने के बाद तो अब समझ आया कि बोहोल जो है वो क्यों इतना मशहूर है. और ये है वो जगह, ये वो मेन हाईलाइट है, मेन लैंडमार्क है बोहोल का, जिसकी वजह से बोहोल जो है वो जाना जाता है. और मेजॉरिटी टूरिस्ट जो आते हैं दूर दूर से, फॉरनर्स जो आते हैं, इवन जो लोकल्स हैं, वो सिर्फ ये चॉकलेट हिल्स के नज़ारे देखने आते हैं. पानी तो हर जगह ही फिलीपींस में बहुत अच्छा है, वाइट सैंड बीचेस हर जगह मिल जाएंगे. ये वाकई में वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है. इस तरह की चीज़ हमने आज से पहले कभी नहीं देखी और ये सब कुछ कुदरती नेचुरली ये फॉर्म हुई है हिल्स. और यहाँ पे बेतहाशा हिल्स है, मतलब ये तो कुछ आपको पीछे नज़र आ रही होंगी मेरे, उसके साथ साथ राइट पे पूरा मैं दूर तक जहाँ तक नज़र मेरी जा रही है तहद निगाह वहाँ पे ये फैली हुई है चॉकलेट हिल्स. उसके अलावा लेफ्ट पे भी यही है. और उसके साथ साथ मज़ेदार चीज़ ये है कि सिर्फ यहाँ पे हिल्स नहीं है, हरियाली बहुत है, ग्रीनरी बहुत है. उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे पूरी फॉरेस्टेशन हुई भी है. यहाँ पे कोकोनट ग्रोव्स हैं, उसके अलावा पाम ग्रोव्स हैं. उसके साथ साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट चॉकलेट हिल्स के बारे में कि जब थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा पड़ती है और तपिश ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा होती है, तो ये जो हिल्स हैं इनकी जो इनके ऊपर घास होती है वो ज़ाहिर है ड्राई हो जाती है, और ड्राई होकर सूख के जो है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्राउन हो जाती है. हेंस इसीलिए इसको चॉकलेट हिल्स कहा जाता है. अभी भी मतलब मेरे पीछे, मतलब अब थोड़ा सा भी ड्राई मौसम है, बारिशें आजकल इतनी नहीं हो रही हैं, तो उसकी वजह से हिल्स जो हैं वो बिल्कुल घास सूखी हुई है, तो उसकी वजह से रंग उसका तब्दील हुआ हुआ है. दूर से देखें तो ऐसा लग रहा है इन द डिस्टेंस के छोटे छोटे वो चॉकलेट्स आती थी, वो एक बॉक्स आता था जब हम लोग छोटे होते थे, बाहर मुल्क से हमारे रिश्तेदार आते थे पाकिस्तान, तो वो बॉक्स लेकर आते थे, उसमें इस तरह की गोल छोटी छोटी चॉकलेट्स होती थी. वो बिल्कुल दूर से देखें तो वैसी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सेट तैयार किया हो किसी फेरी टेल मूवी का. लेकिन ये हर चीज़ नेचुरल है और बहुत बहुत खूबसूरत है. आई इनिशली थॉट के मतलब छोटे से एरिया पे होगा, पर इट्स एब्सोल्युटली मैसिव. जहाँ तक आंखें देख सकती हैं वहाँ पे चॉकलेट हिल्स नज़र आ रही हैं. आज अच्छी खासी गर्मी भी है, सो क्लाइंबिंग अप दी स्टेयर्स और फिर ऊपर से जो व्यू पॉइंट था उधर बहुत गर्मी थी, बट पूरी ड्राइव और हर चीज़ 100% वर्थ इट है. अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मच अवेटेड एक्टिविटी करने वाले हैं. यहाँ पे टार्स ईयर की सेंचुरी बनी हुई है और टार्स ईयर एक बड़ा यूनिक एनिमल है, तो वहाँ हम जाएंगे एंड वी आर गोना गेट अ टूर और उस एनिमल को देखेंगे. ये दुनिया की ओनली सेंचुरी है जहाँ पे हम देख सकते हैं, सो लेट्स गो. तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ बोहोल की टार्स ईयर फाउंडेशन पे. और टार्स ईयर्स एक ऐसे एनिमल हैं जो बहुत यूनिक हैं और ये दुनिया की एक वाहिद फैसिलिटी है जहाँ पे हम इनको देख सकते हैं. वैसे ये थोड़े से मुल्क में होते हैं, लाइक इंडोनेशिया में होते हैं, फिलीपींस में होते हैं और बोर्नियो में होते हैं, लेकिन कहीं हम जाके उनको देख नहीं सकते. ये सिर्फ अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे होते हैं और यहाँ भी इनकी नेचुरल हैबिटेट है. सो जिसने भी स्टार वॉर्स देखी हुई है मूवी या सीरीज़, उसमें जो एक कैरेक्टर है योडा, द एलियन लुकिंग कैरेक्टर, इट इज़ एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द टार्स ईयर और काइंड ऑफ मंकी जैसा होता है लेकिन छोटा, मतलब मेरे हाथ से बड़ा नहीं हो सकता ये टार्स ईयर. तो अब हम अंदर जाएंगे और जो लड़की हमें अंदर टूर देने वाली है उसके दादा जो थे वो यहाँ के केयरर थे और उन्होंने फिर अपनी फैमिली में पास डाउन किया ये सब कुछ. सो इट्स गोना बी वेरी नाइस कि वो हमें टूर देगी और दिखाएगी. हमारे पीछे जो जंगल है इसमें तकरीबन 200 टार्स ईयर्स हैं इस वक्त, लेकिन इस सेंचुरी में सिर्फ 4 से 6 नज़र आएंगे इस वक्त. और वैसे भी ये दिन में छुप के सो रहे होते हैं, सो होपफुली हमें नज़र आ जाए आज. एंड इनाया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सो लेट्स गो इनसाइड. A few reminders, if we are inside, we need to be quiet.
you can take pictures, no flash, and you are not allowed to hold the terrace here. So let's go. अच्छा तो टार्जियर सेंचुरी का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था, बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात मिली हमें टार्जियर्स के बारे में, जिससे हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है। वो ये कि ये दुनिया में जब दुनिया तख्लीक हुई थी, जब ये दुनिया बनी थी, ये 50 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो दुनिया में आए थे। और कहा यह जाता है, जो लड़की हमारे साथ थी यहाँ पे जो पार्क रेंजर थी, उसने बताया कि ये मंकी से पहले दुनिया में आए थे। वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि जब ये पैदा होते हैं तो हमारे थंब यानी हमारा जो अंगूठा है उसके साइज़ के बराबर होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। और शुरू में इनकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डार्क साइड पे होती है, डार्क शेड होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये थोड़ा सा बड़े होते हैं, उसके साथ साथ फिर इनकी स्किन जो है वो लाइटर हो जाती है। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे जो पार्क रेंजर है उसने हमें ये भी बताया कि पूरे फिलीपींस में बोहल वो वाहिद जगह है जहाँ पे टार्जियर्स पाए जाते हैं, और आपको पूरे फिलीपींस में कहीं और नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए यहाँ पे ये पूरा मतलब एक नेचुरल हैबिटेट है इनके लिए, जंगल है, पूरा फॉरेस्ट है जहाँ पे ये इनको रखते हैं। Is this coconut milk? Oh, okay. And what are these? 10 pesos. 10 pesos? Is it sweet? Sweet? Oh. Out of these desserts, which one would you recommend? All of these. यहाँ पे हमें बीच रास्ते में जो है मेन हाईवे के ऊपर ही एक छोटा सा ढाबा नुमा स्टॉल नज़र आया है। यहाँ पे कोकोनट मिल रहे हैं, कोकोनट मिल्क है फ्रेश, और वो कोकोनट जो अंदर से जो निकलता है, जो बिल्कुल फ्रेश यंग कोकोनट होता है, उसकी जो जेली होती है वो भी इसके अंदर है। नहायत मज़ेदार, इससे मज़े का कोकोनट मिल्क मैंने अपनी ज़िंदगी में, और इतना फ्रेश इतना ताज़ा कोकोनट मिल्क नहीं पिया, ठंडा है यह। और यहाँ पे केले के मुख्तलिफ डिज़र्ट्स हैं फ्राइड। वी हैव अ यूट्यूब चैनल, वी मेक ट्रैवल वीडियोस। Why are you hiding? Did you steal someone money? She did. I think you stole someone's money. That's why you're hiding. I don't want to see my face. Chup gayi. Yahan pe authentic aur tradition Filipino snacks mil rahe hain, aur sirf sweets hain ye basically, aur kafi cheezon pe inhone coconut aur kele ka istemal kiya hua hai. In fact, kele ki 3-4 dishes hain, lekin humne ye wali try ki hai. Looks like cake of some sort. Crispy है, ऊपर से चीनी है और अंदर से केला है. Let's try. ये सिर्फ 15 पैसों की थी, which is like 20 cent की थी. वाह, इतना मज़ेदार और crispy और गर्म, बहुत मज़ेदार. वाह. अब हम पहुंच चुके हैं अलोना बीच, और ये हमारे होटल से सबसे करीब वाला बीच है, और ये पूरे बोहल का सबसे फेमस बीच है। अलोंग दी बीच यहाँ पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई है, एंड देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स। ये बीच बेसिकली फेमस इसलिए है बिकॉज पूरी वाइट सैंड है, क्रिस्टल क्लियर पानी है, और दोनों तरफ बीच के जो एंड्स हैं दोनों तरफ क्लिफ्स लगती हैं। बीच में बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ कैफेज, और बिल्कुल बीच के एक मिनट की दूरी पे बहुत सारी कमर्शियल दुकानें भी हैं। सो दिस इज़ डेफिनेटली मोर ऑफ अ टूरिस्टी बीच। कोई भी ट्रिप किसी भी फिलीपींस के आइलैंड की बीच को विजिट करे बगैर कंप्लीट नहीं होती, तो इसीलिए हम यहाँ पे आ गए हैं थोड़ा सा रिलैक्स करने। मौसम इस वक्त बहुत अच्छा है, एंड इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, और लो टाइड है तो स्विमिंग के लिए अभी बिल्कुल परफेक्ट है मौसम। आगे काफ़ी लोग स्नॉर्कलिंग भी कर रहे हैं, और बहुत सारे अलोंग दी पाथवे पैकेजेस और डील लगे होते हैं टूर कंपनीज के। मज़ेदार बात यह है कि इधर से जहाँ हम खड़े हुए हैं हमें कोरल नज़र आ रहा है, तो पानी का जो ट्रांजिशन है फ्रॉम लाइट ब्लू टू डार्क ब्लू बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है, एंड इट इज़ अ सुपर रिलैक्सिंग वाइब ओवर हियर।
अभी तकरीबन सनसेट का वक्त हो गया है और हम इधर एक कैफ़े आ गए हैं कॉल चीडो कैफ़े, और ये बिल्कुल ओशन के सामने है। बहुत मज़ेदार वाइब्स है यहाँ की, सो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और कैफ़े के बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। वी गोना बी सीइंग फायर फ्लाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ। तो जो भी बोहल आता है लोकल्स उनको ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि आप फायर फ्लाइज देखें, और फायर फ्लाइज मगरिब के बाद बाहर आते, वो इनफैक्ट नज़र आती हैं, दे स्पार्कल आफ्टर सनसेट टाइम। तो जो फायर फ्लाई टूर हम लेंगे इट विल बी अराउंड 7:30, तो हमारे पास तकरीबन 1 आवर है बिटवीन दैट। तो अब हम आए हैं यहाँ एक ट्रेडिशनल फिलिपिनो कैफ़े, यहाँ से कॉफ़ी पियेंगे, कुछ खाएंगे, एंड देन वी गोना हेड देयर। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ के एक बड़े हिप बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ वाले कैफ़े पे जिसका नाम है चीडो कैफ़े। पूरे कैफ़े की जो फील है बहुत लाइवली है। सबसे मज़ेदार चीज़ जो मुझे इस पूरे कैफ़े की लग रही है और जो स्टैंड आउट कर रही है वो यहाँ के खूबसूरत से व्यूज़ हैं। सामने जो है वो बिल्कुल सीबू स्ट्रीट ओशन लगता है, राइट पे जो है वो पंगलाओ नेबरहुड है जहाँ पे हम लोग रुके हैं, तकरीबन यहाँ से आधे पौन घंटे दूर है। उसके अलावा बोहल है, बोहल अच्छा बहुत बड़ा आइलैंड है। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था बोहल को कि इतना बड़ा होगा। सिग्वी होल एक्सप्लोर करने के बाद हमें यही लग रहा था कि चलो यार एक और आइलैंड है, छोटा सा होगा, हम लोग आराम से इधर से उधर जा सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, मुश्किल से 10-15 मिनट दूर होंगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। सुबह हम लोग जब निकले थे पंगलाओ से डाओ बस टर्मिनल जहाँ पे फेरी स्टेशन वाकई है, वहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन 40-45 मिनट्स लगे थे, और उसके बाद वहाँ से बस लेके 1 घंटा और लगा था हमें कारमेन जाने तक, और कारमेन से मुश्किल से 5 मिनट दूर था चॉकलेट हिल्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ हम गए थे। उसके बाद दोपहर में भी यही हुआ, जब हम लोग जा रहे थे टार्जियर सेंचुरी, तो वो टार्जियर सेंचुरी भी तकरीबन 45-50 मिनट्स दूर थी। तो खैर यहाँ पे हमने जो है वो बड़ा मज़ेदार किस्म का खाना मंगवाया है, बेसिकली फिलिपिनो स्पेनिश और मैक्सिकन फूड का फ्यूजन जो है, इम्तिजाज जो है वो क्रिएट किया, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की यहाँ पे ये डेलिकेसीज़ जो हैं वो बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे टाकोस मंगवाए, हमने वेजिटेरियन टाकोस मंगवाए, उसके साथ साथ यहाँ पे हमने 2-3 और चीज़ें भी मंगवाई हैं, वो भी ज़ाहिर है आएंगी ऐसा ऐसा तो मैं फिर दिखाऊँगा। लेकिन सी फूड का ऑप्शन है, हम सी फूड खा सकते हैं यहाँ पे, हलाल नहीं है मीट, तो सी फूड का हमने एक श्रिम्प के साथ कोई चीज़ मंगवाई है, और उसके साथ हमने यहाँ पे टाकोस जो मंगवाए हैं, टाकोस में वेजिटेबल्स हैं, पोटैटोज़ हैं बेक, उसके साथ टमाटर हैं, कैबेज है, गाजर है, ऊपर उन्होंने कोरिएंडर डाला है, मुझे पेपर थोड़ी सी नज़र आ रही है, नीचे जो है वो बिल्कुल टोस्टेड ब्रेड है। थैंक यू। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है ये जो मेन चीज़ है ये है फ़िश, तो फ़िश टाकोस हैं ये, और इसमें पाइनएप्पल्स भी हैं, उसके साथ साथ इसमें पोटैटोज भी हैं बेक, ये जो है बड़ा सा पीस ये फ़िश टाकोस हैं, और ऊपर जो है कोरिएंडर डाली है, और साथ साथ मैंने जो है फ्रेश रेड चिलीज़ भी मंगवाई हैं, क्योंकि बग़ैर चिली के तो ज़ाहिर है खाना हमारा कम्प्लीट नहीं हो सकता, अधूरा होता है, तो ये चिलीज़ डालेंगे थोड़ी सी। बहुत मज़ेदार है फ़िश, ज़ाहिर है हम लोग बिल्कुल ओशन के सामने हैं और फिलीपींस में तो नहायत फ्रेश है। उसके साथ वेजिटेबल्स का वो जो क्रंच है वो अपनी जगह है, पेपर मुझे हल्का सा उसमें पेपर का भी फ्लेवर आ रहा है, साथ साथ लेमन जूस, वो ज़ाहिर है उसको बैलेंस आउट करने के लिए जो फिशी फ्लेवर होता है बहुत सारा लेमन जूस इस्तेमाल किया, और एक योगर्ट डिप भी है इसके अंदर, बहुत मज़े का। अच्छा, तो फ़िश टाको उसके साथ साथ हमने यहाँ पे डैन डैन नूडल्स भी मंगवाए हैं, तो ये बेसिकली जैसे मी ग्रैंग होते हैं वैसी नूडल्स हैं, लेकिन इसमें मशरूम है, टोफू है, और उसके साथ साथ मुझे इसमें कुछ क्रंची बिट्स भी नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये ट्राई करते हैं उसके बाद पता चलेगा। ऊपर जो है उन्हें थोड़ी सी ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन है, कोरिएंडर है, और उसके साथ किसी चीज़ के ये पत्ते भी हैं, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के पत्ते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं। अच्छा, तो बड़ी बाइट लेते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत गर्म है, तो बेसिकली ये मशरूम्स हैं, और मशरूम्स को उन्होंने जो है वो कोई मैरिनेट लगा के, क्रम लगा के जो है वो फ्राई किया हुआ है, शैलो फ्राई किया या डीप फ्राई किया, उसकी वजह से वो काफ़ी क्रंची बिट्स बन गए, और वो क्रंचीनेस जो है वो बेसिकली नूडल्स को बहुत अच्छा टेक्सचर दे रही है। और उसके साथ साथ इसमें ये जो ग्रीन लीव्स हैं, ये जो इस्तेमाल की, ये स्पिनिच है,
अच्छा, तो नूडल्स और फिश टाकोस के साथ साथ हमने यहाँ पे प्रॉन गुआन करी भी मंगवाई है। तो ये बेसिकली करी है और प्रॉन्स हैं इसमें। एक बड़ा निवाला बनाता हूँ, चेक करता हूँ करी में क्या क्या है। ये बेसिकली हम लोग जो पाकिस्तान में स्टू बनाते हैं, स्टू करी है, जैसे प्याज गोश्त होता है, बहुत मज़े का, वो प्रोमिनेंट गरम मसाले का। इसमें दार चीनी नज़र आ रही है, इलायची बड़ी वाली मुझे नज़र आ रही है, उसके साथ साथ तेज़पात और ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और उसी वजह से लौंग और काली मिर्च भी हैं। वो सारी चीज़ों को उन्होंने मसाला बना के इसमें यूज़ किया है, गरम मसाला जो होता है, और उसकी वजह से वो ज़ाफ़रानी गरम मसाले की वजह से जो है वो टेस्ट जो है ना अमेजिंग है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रॉन्स के साथ हम कभी प्याज गोश्त टाइप की कोई चीज़ खाएंगे। हम हमेशा गोश्त के साथ, मटन के साथ या बीफ के साथ बनाते हैं, और उसके साथ ये एक चपाती भी दी है उन्होंने, जो थोड़ी सी क्रिस्प हो गई है, क्योंकि जाहिर है हमने पहले दूसरी चीज़ें ट्राई की थी और यहाँ पे हवा चल रही है, तो हवा की वजह से थोड़ी सी वो कड़क हो गई है, लेकिन जायका जो करी है ना, टॉप नॉच, बहुत कमाल का जायका है। तो हम लोग खाना इन्जॉय करते हैं यहाँ पे, बहुत मज़ेदार खाना है, और व्यूज़ जो हैं वो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे सीधा फायर फ्लाई बोट टूर देखने। तो अब हम पहुंच गए हैं अबटान टूर्स, और यहाँ से बोट टूर्स होते हैं रोज़ तकरीबन 6:30, 7:30 और 8:30 टू सी फायर फ्लाइज। और ऐसी कोई चीज़ हमने कभी भी नहीं एक्सपीरियंस की। तो 7:30 वाला टूर हम ले रहे हैं और हमारी बोट रेडी है। इट्स अ ट्रेडिशनल फिलिपिनो बोट और हम सिर्फ तीनों जा रहे हैं इस बोट पे। प्राइवेट टूर है एंड इट्स गोना बी क्रेजी। 1500 पैसों हमने दिए हैं तीनों के लिए। अच्छा, दिन में हम आ गए थे अपनी टिकट लेने और ऑर्गेनाइज़ करने, बिकॉज़ हम प्राइवेटली कर रहे हैं। कुछ लोग टूर के थ्रू भी करते हैं वो दे गेट अ पिकअप, लेकिन बिकॉज़ हमारे पास ऑलरेडी बाइक थी तो हमने आके खुद ही टिकट खरीदी एंड काफ़ी चीप पर पड़ा था हमें। सो वी गोना गो इनसाइड, बोट पे बैठेंगे एंड देन इनाया बहुत एक्साइटेड है फायर फ्लाइज देखने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हमारे जो टूर ऑपरेटर हैं उन्होंने बताया बोट पे सवार होने से पहले, यहाँ पे एक वो मिट्टी का मटका है छोटा सा, उसके अंदर जो है उन्होंने चारकोल कोयला जलाया हुआ है और उसके अंदर थोड़ा सा इंसेंस भी डाला हुआ है फ्रेग्रेंस के लिए। तो बेसिकली इसलिए होता है, एक तो ये गुड लक विश करने के लिए होता है, दूसरा ये कि मच्छर वच्छर या कीड़े मकोड़े ना काटें आपको, इसलिए भी होता है, और इसके अलावा जो भी बुरी रूहें हैं, जो भी बुरी स्पिरिट्स हैं, वो आपसे दूर रहें। तो ये इनका मानना है, ये एक छोटा सा रिचुअल है। तो ये छोटी सी पुलिया है, ये क्रॉस करके हम लोग बोट पर सवार होंगे। हम लोग यहाँ पे बोट के ऊपर सवार हो चुके हैं और हम लोग अभी जिस रिवर के ऊपर क्रूज अलॉन्ग कर रहे हैं, इसका नाम है अबटान रिवर। और अबटान रिवर के बारे में मुझे यहाँ पे जो हमारे टूर गाइड हैं, जो छोटा सा बच्चा है, उसने बड़ी इन्फॉर्मेटिव, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों तरफ, राइट लेफ्ट दोनों तरफ जो है वो मैनग्रोव्स हैं, और मैनग्रोव्स कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर फूल नहीं है, जिनके ऊपर ज्यादा कांटे हैं। तो कुछ भाई ने बताया कि कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जिनके ऊपर फूल होते हैं, और उन फ्लावर्स के ऊपर ये फायर फ्लाइज जो है ये आके बैठती हैं, और फिर वहां से वो अपना नेक्टर और ये सारी चीजें जो है, खाना वाना जो होता है, वो जमा करती हैं, वहाँ से वो कलेक्ट करती हैं। और ये छोटा जो बच्चा है, इसने मुझे एक और बात बताई कि ये सिर्फ रात के टाइम जो है वो एक्टिव होती हैं, दिन के टाइम पे ये सो रही होती हैं, पूरा दिन आपको नज़र नहीं आएंगी, वो पत्तों के पीछे छुपी भी होती हैं। और उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि जो दूर से नज़र आ रही होती हैं फायर फ्लाइज, जो ज़्यादा चमक रही होती हैं, जिनकी रोशनी ज़्यादा होती है, वो बेसिकली मेल होते हैं, नर होते हैं, और जो कम, जिनकी थोड़ी सी रोशनी होती है, वो मादा होती हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारी ज़िंदगियों का ये सबसे पहला रात का बोट टूर है, और अंधेरा इतना है कि मतलब हमें आगे और पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई, उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं इम्तिसाल से ये कह रहा था कि बचपन में हमने ये जुगनू की कहानियाँ सुनी थी, वो थोड़ी सी याद जो है वो ताज़ा हो गई है। मुझे याद है क्लास 8 या क्लास 9 में कोई उर्दू की किताब थी, उसके अंदर ये स्टोरी हमने पढ़ी थी कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो जंगल से गुजर रहा होता है, और रात का वक्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है एकदम से, तो वो रास्ता भटक जाता है, और फिर वो जुगनू उसको कहीं पर दिखाई देता है, और जुगनू को फॉलो करता है, और फिर वो फॉलो करते करते उसके पीछे जाते जाते जो है वो बाहर निकलता है, और फिर रोशनी में थोड़ा सा आता है। हमने बचपन में यही
किताबों में पढ़ा था, कभी सोचा नहीं था कि हमें रियल लाइफ में इस तरह से जुगनुओं को या फायर फ्लाइज को खुद से देखने का मौका मिलेगा, वो आज फिलीपींस ने पूरा कर दिया। बहुत अच्छा था ये एक्सपीरियंस।